हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके चैनल कम्पिटिटिव टारगेट क्लासेस पे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे हिस्ट्री के क्लासेस आपके लिए जा रहा है, तो आज का चैप्टर है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। जैसा कि मैंने दिल्ली सल्तनत स्टार्ट कर रहा था तो आप लोगों को गुलाम वंश का सारा कवर करा दिया गया, उसके बाद खिलजी वंश रहा, तो खिलजी वंश भी सारा हो चुका है। तो आप वीडियो के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहाँ पर आपको सारा चीज़ मिल जाएगा। तो अभी हम चल रहे थे तुगलक वंश की ओर, जो कि गयासुद्दीन तुगलक का मैंने पिछले वीडियो में डाल रखा है, जो कि आप लोग को काफ़ी पसंद आया। तो आप लोग यदि जिन्होंने नहीं देखा है तो वो जाकर देख सकते हो। तो तुगलक वंश में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, तो मोहम्मद बिन तुगलक से, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ बहुत सारी घटनाएँ जो आपको जानने को मिलेगा। और इस वीडियो में आज मैं मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बताऊंगी, और इस वीडियो के लास्ट तक जरूर बने हुए रहना, क्योंकि यहाँ पे वो हर एक पॉइंट डालने की कोशिश की हूँ जो आपके एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। यदि ये वीडियो देखकर आप एग्जाम देने जाते हो या फिर इसे कुछ नोट्स वगैरह में लिख लेते हो और एग्जाम टाइम में पढ़ते हो, तो एक छोटा सा रिविजन ऐसा रिविजन होगा जिसे आप आसानी से कोई भी क्वेश्चन यहाँ से आ गया तो आप गलत नहीं करके आओगे। तो चलो हम अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। और इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना। तो आज का चैप्टर है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो सबसे पहले तो तुगलक वंश की शुरुआत होती है गयासुद्दीन से। गयासुद्दीन के पुत्र का नाम मोहम्मद बिन तुगलक, जिनका बचपन का नाम क्या रहता है, तो जोना खां। फिर एक मैंने पिछले वीडियो में बताया था गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कैसे होती है। तो जैसा कि जोनाखा एक इमारत बनाता है, लकड़ी का इमारत, जिसका उद्घाटन करते समय गयासुद्दीन तुगलक की दबकर मृत्यु हो जाती है। तो ये सारी स्टोरी तो मैंने पिछले वीडियो में बता रखी थी। तो आज मोहम्मद बिन तुगलक की चर्चा चलेगी। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में बोला जाता है ये काफ़ी विद्वान थे, मध्यकालीन के सबसे विद्वान शासक किसे माना जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक का। इन्होंने बहुत सारी चीज़ों का शुरुआत की थी, जैसे कि सांकेतिक मुद्रा हो गया, दीवाने को ही, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आते, दीवाने को ही का निर्माण किसने करवाया था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने करवाया था। इसके साथ साथ इब्ने बतूता के बारे में आप लोगों ने जाना था, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्ने बतूता यात्री किसके शासनकाल में आए थे, तो इब्ने बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आए थे। तो ये सारी चीज़ें मैंने सारे पॉइंट को यहाँ पे डाला है, तो आप जरूर वीडियो के लास्ट तक बने रहना। तो चलो हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आज का टॉपिक है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक का स्टार्ट कब से होता है, मतलब इसका जन्म कब से होता है और शासनकाल कब से कब तक चला, तो 1325 से लेकर 1351 तक इसका शासनकाल है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। वही इसके सबसे पहले इसका नाम जोनाखा के नाम से, ये इनका मूल नाम मोहम्मद बिन तुगलक का जोनाखा होता है। इसके साथ राजकुमारों या मन्यारो, वो मैं आप लोग को लास्ट में बताऊंगी। पहले शासनकाल 1325 से 1351 तक था। इसके साथ साथ ही आपको जानने की ये जरूरत है कि विद्वान मध्यकालीन में सबसे ज्यादा जो सुल्तान को विद्वान माना जाता था शासक, वो है मोहम्मद बिन तुगलक। इसे गणित का पूरा ज्ञान था, दर्शन शास्त्र का पूरा ज्ञान था, और दर्शन शास्त्र के विद्वान माने जाते थे, वही खगोल हो गया, भूगोल हो गया आदि के महान विद्वान थे। इसे पागल सुल्तान भी कहा जाता है, तो यहाँ तक तो आप लोगों ने जाना मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कि इन्हें बहुत बड़े विद्वान माना जाता था, अलग अलग सब विषयों में इन्हें विद्वान माना जाता था। इन्हें गणित का ज्ञान था, खगोल का ज्ञान था, भूगोल का ज्ञान था, दर्शन शास्त्र के ज्ञान थे, तो आप जान सकते हो ये महान विद्वान थे। लेकिन इन्हें फिर भी पागल सुल्तान कहा जाता था। आपसे ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि पागल सुल्तान किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। तो ये छोटा छोटा पॉइंट, लेकिन आपको याद करना होगा, आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि एग्जाम में यही छोटा छोटा क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, तो उस टाइम पता नहीं चलता। फिर मोरक्को का एक यात्री, ये बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, इसे आप लोग इम्पॉर्टेंट में डाल लेना या वेरी इंपॉर्टेंट में डाल लेना। यदि आपसे पूछा जाए इब्ने बतूता कहाँ के यात्री थे, तो इब्ने बतूता इतना तो पता है कि मोरक्को के यात्री थे, लेकिन यहाँ पे आपको ईस्वी भी पूछा जाता है कि वो कौन से ईस्वी में भारत आए थे और किसके शासन काल में आए थे। तो मोरक्को का यात्री इब्ने बतूता 1333 ईस्वी में कब आए थे, 1333 ईस्वी में। तो आपको खुद पता होगा 1333 का ईस्वी का शासनकाल किसके हाथ में था, तो मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि 1325 से 1351, तो 1333 ईस्वी में। और ये ईस्वी
ये इसवी भी आपको एग्जाम में देखने को, बहुत सारे एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाओगे तो ये इसवी भी आपको देखने को मिलेगा कि 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के समय इब्ने बतूता भारत आया था और कहाँ कराने वाला था, तो मोरक्को का। इब्ने बतूता को सुल्तान ने दिल्ली का काजी बनाया था। कहाँ का काजी? दिल्ली का काजी। काजी मतलब आप जज समझ सकते हो कि दिल्ली का काजी बनाया गया था। इब्ने बतूता की एक पुस्तक है रेहला, जो कि बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दिल्ली इब्ने बतूता की एक पुस्तक रेहला, ये क्वेश्चन आपको भी पूछा जाता है, रेहला का रचनाकार कौन है, रेहला पुस्तक किसने लिखा है, तो इब्ने बतूता ने। तो यहाँ तक तो आपका कवर हो गया। वही दो ईस्वी, ज्यादातर ईस्वी याद करना नामुमकिन है, लेकिन कुछ इम्पोर्टेंट ईस्वी आपको याद करना होगा। जैसे एक 1333 का हो गया जो इब्ने बतूता भारत है, वही दो ईस्वी और आपको याद करना है, 1327 और 29। 1327-29 में ऐसा क्या हुआ था, तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली, जो कि राजधानी दौलताबाद से दिल्ली लाया था, वही देखो 1327 ईस्वी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद किया था। कहाँ से कहाँ तक किया था, तो दिल्ली से दौलताबाद कब किया था, तो ये दोनों में आप कंफ्यूजन करोगे, क्योंकि वो पुनः दौलताबाद से दिल्ली अपना राजधानी लाता है, लेकिन 1327 में आपको जानना जरूरी है कि कहाँ से कहाँ तक लाया था। तो दिल्ली से दौलताबाद 1327 में लाया था, वही 1329 दो साल बाद पुनः दोबारा क्या करता है, दौलताबाद से दिल्ली अपनी राजधानी बना लेता है। तो 1329 ईस्वी में अपनी राजधानी को दोबारा दौलताबाद से दिल्ली स्थानांतरित कर लेता है। कि कौन करता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक। तो यहाँ पे दो ईस्वी आप लोगों ने जाना कि दो ईस्वी कौन को, 1327 और 1329। इसके साथ साथ मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तीन, जैसा कि तुगलक वंश से स्टार्ट होता है, तो तुगलक वंश में आपको ज्यादातर के कौन कौन से शासक के नाम याद करने होंगे, तो शुरुआत में तुगलक वंश का जो संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक, उनके बारे में मैंने कवर करा रखा है। आज मोहम्मद बिन तुगलक और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, तो फिरोज शाह तुगलक। तीनों में रिलेट करोगे कि कौन क्या थे, तो गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र का नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद कौन सा आता है, तो आता है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक कौन थे, तो उसके चचेरे भाई थे, मतलब सब वंशागत ही था, जो एक दूसरे के ये थे। रिलेट ब्लड, मतलब कि ब्लड रिलेशन करके पढ़ोगे तो इजी रहेगा। इसके साथ साथ ही आप लोग को ये भी बता दे रही हूँ कि मनियारों का एक क्वेश्चन है, मनियारों का राजकुमार, मनियारों का राजकुमार किसे कहा जाता है, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। तो वो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट चलते, मोहम्मद बिन तुगलक ने लकड़ी की इमारत बनाई थी, लकड़ी की इमारत को बनवाया था, जिसका उद्घाटन करते हुए उसके पिता गयासुद्दीन तुगलक की इमारत से दबकर मृत्यु हो जाती। कैसे हो जाती, तो उसी इमारत से जिसका उद्घाटन करने जाते, जो कि लकड़ी से बना होता, तो उससे दबकर गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु हो जाती है। इसके साथ साथ एक ईस्वी जो मैंने 1329 का ईस्वी याद कराया था, वो ईस्वी को मैं फिर से भी याद करवाना चाहूंगी। 1329 ईस्वी में लगान को बढ़ा दिया गया, लगान को बढ़ा दिया गया। इसके साथ साथ सांकेतिक मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने किया है, मोहम्मद बिन तुगलक ने। ये क्वेश्चन आपको बहुत बार पूछे जाते हैं। इसके साथ साथ चांदी के महत्व को कम करके पीतल एवं कांसा के महत्व पे ज्यादा ध्यान दिया गया था। तो चलो मैं उस पॉइंट को भी देखती हूँ कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत की, क्वेश्चन आपसे ये भी आता है कि सांकेतिक मुद्रा की शुरुआत किसने की, तो ये आप देख लेना। वही सिल्वर को खत्म करके, मतलब कि चांदी को खत्म करके पीतल एवं कांसा की शुरुआत किया, तो ये पॉइंट भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है कि सांकेतिक मुद्रा के बारे में। वही नेक्स्ट पॉइंट है दीवाने आमिर, ये बहुत ज्यादा है दीवाने आमिर को ही। दीवाने आमिर को ही एक कृषि विभाग का निर्माण करवाया था, एक कृषि विभाग का निर्माण करवाया। वही मध्यकालीन के सभी सुल्तानों में मोहम्मद तुगलक, मतलब कि मोहम्मद बिन तुगलक सर्वाधिक शिक्षित माने जाते थे, ये विद्वान एवं योग्य तो माने जाते थे। मैंने तो ये शुरुआत में ही बताया था कि मध्यकालीन में सबसे ज्यादा विद्वान शिक्षित योग्य किसे माना जाता था, तो मोहम्मद बिन तुगलक को। इसलिए ये वाला आप लोग को ये टॉपिक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो जरूर देखना। वही बढ़नी, बढ़नी ने मोहम्मद बिन तुगलक को पांच योजनाओं का उल्लेख किया था। पांच योजनाओं का उल्लेख आप लोग जरूर देखना, और ये योजना आपसे बार बार यहाँ से क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि,
मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या क्या किया था, तो दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, जैसा कि मैंने 1329 ईस्वी में बताया था कि लगान में वृद्धि कर दिया गया था, तो दुआब क्षेत्र में कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन मतलब दिल्ली से दौलताबाद, दौलताबाद से दिल्ली किया था। वही सांकेतिक मुद्रा से चांदी को खत्म करके तांबा और कांसा को अधिक महत्व दिया गया था। वही खुराशन अभियान और काराचील अभियान, ये दोनों से भी क्वेश्चन बहुत आते तो जरूर देखना। वही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आपको ये भी जानना होगा कि दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के समय दक्षिण भारत में बहमनी वंश, मतलब कि बहमनी का संस्थापक किसने किया था, तो बहमनी की स्थापना किया था अलाउद्दीन बहमन शाह ने। तो ये नाम भी आप लोग ध्यान में देखना और इसे याद करना। फिर वही विजयनगर, जिसे हरियर और बुक्का नामक दो भाइयों ने, हरियर एवं बुक्का दो भाइयों ने स्थापना किया था। वही आपसे पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, तो मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु 20 मार्च 1351 ईस्वी में सिंध के विद्रोह को दबाते हुए, सिंध के विद्रोह को दबाते समय कहाँ पे हुई थी, तो ठट्टा के निकट गोडाल में हुआ था। कहाँ हुआ था, ठट्टा के निकट गोडाल में हो गई थी। तो इसकी मृत्यु के बाद इसके चचेरा भाई, इसकी मृत्यु के बाद कौन गद्दी पे बैठता है और सुल्तान बनता है, तो इसके चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक, इसके मृत्यु के बाद फिरोज शाह तुगलक को सुल्तान बनाया जाता है। वही मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में एक कहावत है जिसे बर्नी ने कहा, बंदायूनी ने कहा था, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर इतिहास कर बंदायूनी। ये बहुत बार आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अंततः लोगों को उससे मुक्ति मिली और उसे लोगों से, ये किसके बारे में कहा गया है, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। और कौन कहा है, तो बंदायूनी ने कहा है। क्या कहा है कि अंततः लोगों को मोहम्मद बिन तुगलक से मुक्ति मिल गई और मोहम्मद बिन तुगलक को लोगों से। तो ये क्वेश्चन, ये पॉइंट आप लोग मतलब कि याद कर लेना। और ये किसने कहा और किससे कहा, बंदायूनी ने कहा, और किसके बारे में कहा, तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में। तो आई होप सो ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। ये वीडियो तुगलक वंश के मोहम्मद बिन तुगलक से जुड़ा हुआ था। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग नेक्स्ट तुगलक वंश के बारे में जानोगे, मतलब फिरोज तुगलक के बारे में जानोगे। तो ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो थैंक यू।